this is going to be a lecture based on uh, unit 3 from focus on comprehension uh, this is this lecture is going to be about the analysis of paragraph uh, this is going to be a lecture for december 22nd 2020 Let us first examine the learning outcomes of this unit. What you will learn is uh, how to examine the way paragraphs are constructed in non fiction text types. We will also learn what makes an effective introductory paragraph. Then we will discuss the way in which a writer orders the main body paragraphs in an information text. And then we will learn to summarize each paragraph of an argument text. To grasp the writer's central argument. So, these are all the learning outcomes of this unit. This is what you are expected to learn at the end of this unit. Introductory paragraphs. An introduction serves the following purposes. Number one, establishes your voice and tone or your attitude toward the subject. Number two, introduces the general topic of the essay or any uh, non fiction type of text. Number three, states the thesis that will be supported in the body paragraphs. Introductory paragraphs ka kam ka kya hota hai? Of course, फॉर एग्जाम्पल वेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम तो यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ किसी से जब आप मिलते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका नाम क्या है आप क्या करते हैं आपकी एज क्या है सो यू डोंट स्टार्ट ऑफ बाई सिंपली टोकिंग टू समन उसी तरीके से आप कुछ भी लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं स्पीच लिख रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं कोई भी नॉन फिक्शन टेक्सट टाइप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन का क्या क्या काम होता है इस्टब्लिश योर वॉइस एंड टोन यानी कि ये आपका मकसद बयान करता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वाई यू आर राइटिंग समथिंग और योर एटीट्यूड यानी कि शुरू से ही इंट्रोडक्शन के अंदर एक टोन सेट कर दी जाती है कि आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं नेगेटिव बात कर रहे हैं या आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं टूवर्ड द सब्जेक्ट तो द वे वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू आर राइटिंग अगर राइटिंग लिख रहे हैं किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी राइटिंग शुरू से ही एक ही पॉइंट को पकड़ेगी और उसी पर कन्विंस करेगी अगर आर्ग्यूमेंट डेवलप करना चाह रहे हैं आर्ग्यूमेंटिव ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुरू में uh, ही बता देगा एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन दे देगा और उस उसपे थोड़ा सा एक पॉइंट टू थिंक अबाउट आपको दे देगा यानी कि कोई सजेस्टिव सी चीज आपको बयान कर देगा इन In, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स क्या करते हैं इंट्रोड्यूस द जनरल टॉपिक ऑफ द एसे सो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टार्ट ऑफ राइटिंग अबाउट योर एसे जस्ट बाय सिंपली स्टार्टिंग ऑफ डायरेक्टली फर्स्ट यू हैव टू गिव अ बैकग्राउंड और यू हैव टू ले अ फाउंडेशन फॉर वट यू आर राइटिंग पहले किसी घर की आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी फाउंडेशन डालेंगे बुनियाद डालेंगे और फिर उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग खड़ी करेंगे सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज बेसिकली दैट फाउंडेशन या वो बुनियाद होती है कि जिसके ऊपर आपने अपनी बाकी का जो भी आप चीज लिख रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं कुछ भी लिख रहे हैं तो बाकी की उसकी बिल्डिंग आपने उस पर खड़ी करनी होती है फॉर the 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 एग्जांपल आपको एस का टॉपिक दिया गया है या आर्टिकल का टॉपिक आपने कोई चूज किया है या लिखा है तो हमेशा उसमें स्टेटमेंट होता है थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली मेन आइडिया हो गया कि वो उस मेन आइडिया के इर्द गिर्द जो बाकी सारी चीजें घूमती है

पहले आप जेनरली बात करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका मेन थी यानी कि वो एक पॉइंट होता है जिसकी वजह से आपने पूरा ऐसे या आर्टिकल या न्यूज पेपर रिपोर्ट या कोई भी आपने चीज लिखी होती है आप उसकी तरफ आते हैं

ट so है कि सबसे अच्छे जो पैराग्राफ्स होते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स वो क्या तरीके अख्तियार करते हैं किस तरीके से शुरू होते हैं ग्रेट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स कैन स्टार्ट विद्रिलियंट ओपनिंग लाइन बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन होती है इट कैन बी

यानी कि ये सुनने वाले को एंगेज करना चाहता है किस चीज में इन अ प्रोसेस सोचने पर मजबूर कर देता है कोई ऐसा सवाल कि जिसके बारे में जो सुनने वाला या पढ़ने वाला है वो अपने बिलीव्स को थोड़ा सा सवाल उठाए और किसी बात पर सोचे एंड एनिकोट एन एनिक इज अ वेरी 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 स्मॉल इंसिडेंट कोई बहुत ही कोई छोटा सा वाक्य होता है उससे अक्सर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स का स्टार्ट लिया जाता है

Uh, कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है ये डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली exactly क्या लिख रहे हैं अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहे हैं जिसके अंदर आप होना चाह रहे हैं जिसके आप थोड़ा सा कोई कोई इस तरह की uh, जिसे कहते हैं एक ह्यूमर भी लेकर आ रहे हैं तो आप एक प्लेफुल यानी कि एक लाइट हार्टेड जोक आप इंट्रोड्यूस करते हैं द पर्पज ऑफ सच अ जोक इज नॉट टू हर्ट और टू हर्ट फीलिंग्स बट ओनली टू गिव अ वेरी लाइट

related to the virus the pandemic then you can write something that has a very emotional appeal so these are all the styles with which you can start an introductory paragraph yeah just say writers of introductory paragraph start karte hain. Now we have most of the times heard that first impression is the last impression. So let's look at this uh, paragraph that has been given to you. Its structure analyze You can see on your left. Let me get my laser pointer. On your left, you can see that uh, these three stages are given here. Hook means the very uh, introductory or very general. Uh, remark or the very beginning line that has been given the bridge. ब्रिज का मतलब ये कि ये जो पहली थॉट और इस पैराग्राफ की आखिरी थॉट है, है। इसको कनेक्ट कर रहा सो कनेक्शन नॉर्मली ब्रिजेस का काम होता है इसे ये स्टेप को ब्रिज कह राइटर हैज कनेक्टेड ऑल दॉट टूगेदर वन लेट दैट सर आइजक न्यूटन

इसके अंदर एक छोटी सी बात बताई गई है बहुत सारी जगहों पर उसने इस चीज को कहा कि वन लेजेंड हैज इट ठीक है तो अक्सर जगहों पर हमें ये मिलता है कि सर आइजक न्यूटन केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी व्हेन ही वाज हिट ऑन द हेड बाय अ फॉलिंग एप्पल इससे हमें एक थोड़ा सा एकदम से हमारा जहन बन गया दैट मे बी दिस पैराग्राफ इज गोइंग टू बी अबाउट समथिंग रिलेटेड टू साइंस और द लॉ ऑफ ग्रेविटी और अबाउट सर आइजक न्यूटन इसमें तीन चीजें हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि या तो ये ग्रेविटेशनल जो थियरी है उसके बारे में बात कर रहा है और ये जो है न वो सर आइजक न्यूटन के बारे में बात कर रहा है या फिर जो है न किसी और चीज़ के बारे में वेन वी विल रीड फर्दर देन वी विल फाइंड आउट वॉट द होल डॉक्यूमेंट इज अबाउट Let's read the bridge part. It is certainly an appealing idea. Uh, through happy accident, inspiration literally struck him. However, this story and the idea it promotes that luck plays a larger role in discovery than hard work is little more than a fantasy. In reality, chance can occasionally play a positive role in innovation, but mistakes are likely to create more problems than they solve. यहाँ उसने एक हमें एनिक दिया बट ये ब्रिज वाले पार्ट में उसने उस चीज को एक तरह से सवाल उठा दिया सवाल उसने क्या उठाया कि ठीक है कि जो है ना हम डिस्कवरी करते हैं लेकिन इस वाक्य से हमें ये लगता है कि हार्ड वर्क से ज्यादा जो लक है उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है अब इससे थोड़ा सा हमारे जहन के अंदर एक आप कह लें कि एक कश्मकश बन जाती है देर इज अट ऑफ You can say an argument develops in our mind that we are trying to figure out what is this paragraph exactly about. So let's read the thesis carefully.

लेकिन उसके साथ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिस्ट करता है there is one more uh, sample introductory paragraph right in front of you uh, the topic sentences sentence or sentences you can see here that uh, there are more than one sentences then uh, outline sentences and then the thesis statement so let me read it out to you Elections in Canada, in theory, are supposed to represent the wishes of the majority of the Canadian population. अब आप पहले sentence को देखिए उसने काफी general सा start लिया है कि elections का Canada या अगर दुनिया भी हो तो उनका मकसद क्या होता है कि वो majority के जो ख्यालात हैं उनको represent करे. However, under the system that we have now, many critics of the election system believe that the opposite is true. Indeed, the majority of elections in Canadian history have resulted in a majority of electoral seats when the government elected actually received a minority of the vote. Critics argue that as a result, the election system in Canada is flawed and undemocratic and should be changed to better represent the wishes of Canadians. However, proponents of the current uh, plurality system argue that the weaknesses of the proportional representation system far outweigh the potential benefits. अब आप यहाँ पर देखें कि उसने सबसे जो इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंस है उसके अंदर उसने जनरल सा स्टार्ट किया refute means to give an opposing argument. So, uh, उसने अपना ओपिनियन नहीं दिया बट ही और शी द ओपिनियन ऑफ ग्रुप दैट पीपल सम क्रिटिक्स थिंक लाइक दैट एंड Uh, he this person has also this writer has also given the opinion of the other writers. So indeed uh, the majority of elections about the <inaudible> critics of the election system believe that the opposite is true. okay then again he has given the uh, point of view of the other group of critics. हाउ एवर प्रोपोनेट्स ऑफ द करेंट लिटी सिस्टम प्रोपोनेट मीन्स किसी चीज के हामी तो प्रोपोनेंट्स जो है उस चीज के हामी जो है वो कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अब ये टॉपिक सेंटेंस है इससे एक टोन सेट हो गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस चीज के बारे में होगा ये इलेक्शन के बारे में होगा कि कौन से इलेक्शन कैनेडा के नेशनल इलेक्शन के बारे में होगा और इलेक्शन के बारे में क्या बात कर रहा है ये बेसिकली बात कर रहा है कि जो कनाडा के अंदर इलेक्शंस का सिस्टम है ये कैसा है और फिर उसके अंदर एक और टोन सेट हो गई कि दो ग्रुप्स हैं जो कि एक तो उसके खिलाफ है और एक उसके हक में है आउटलाइन सेंटेंसेस पॉल बाकर इज अ सपोर्टर ऑफ द प्लुरैलिटी सिस्टम एंड सजेस्ट दैट द हाई अराउंड पीआर इज बेसलेस एंड वुड एक्चुअली सर्व टू फर्दर डिवाइड द कंट्री एंड वीकन द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट

बॉडी पैराग्राफ्स so, person who supports this plurality system, और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दे दिए हैं यही कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट्स जो हैं आगे जाकर बॉडी uh, पैराग्राफ्स की शक्ल ले लेंगे थीसिस स्टेटमेंट क्या है दैट सम सम फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज नीडेड इन कनाडा सो दिस इज बेसिकली द मेन आइडिया ऑफ द राइटर दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे और वो हमें ये इससे ये पता चला दैट द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू दिस मेन पॉइंट Let's talk about the structure of the main body paragraphs, how they are organized, and uh, what main body paragraphs comprise of, and what are the kind of steps that are needed to write the main body paragraphs. Mm -hmm. Here you can see a flowchart in front of you. An introduction, we have already talked about the introductory paragraph, and uh, now I'm going to uh, jump on to body paragraphs. They can be more than three. So, uh, the body paragraphs always, each and every paragraph always has a topic sentence, the supporting details, and the concluding sentence. Here you can see that uh, in step two here. In step 2, here you can see the body paragraphs, and then uh, they can be three. At least body paragraphs should be at least three, or they can be more than three. So, whenever you are analyzing a text, just try to find out that uh, the first paragraph is always the introductory paragraph, and the last paragraph is always the concluding paragraph. <clears throat> The mid paragraphs, the paragraphs in the mid of the introductory and the conclusive paragraphs are always considered the body paragraphs. The body paragraphs can be at least three, but they can be more than three as well. Now, here you can see that they have made this into three blocks. First block says that a topic sentence, supporting details, and concluding sentence. So, each and every body paragraph always has a topic sentence separately. नाउ वट एवर आइडियाज आर एक्सप्रेस इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्सर एक्सपेंडेड इन टू द बॉडी पैराग्राफ्स यानी कि मेन जो आइडियाज हैं एक तो क्लियर थी स्टेटमेंट हमने प्रजेंट कर दिया इंट्रोडक्शन में उसको सपोर्टिव आइडियाज अक्सर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स में दे दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स को सेपरेटली एक्सप्लोर किया जाता है बॉडी पैराग्राफ्स में तो ये जो बॉडी पैराग्राफ के जो आइडियाज होते हैं ये सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं मेन थीसिस स्टेटमेंट के लिए हर एक आइडिया uh, को उठाकर उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है और उसके लिए फर्दर उसी पैराग्राफ के अंदर मजीद डिटेल्स दे दी जाती हैं और हर पैराग्राफ का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस जरूर होता है सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कंस्ट्रक्ट द बॉडी पैराग्राफ्स Here again is the structure given for the persuasive or the argumentative essay. An ideal persuasive or argumentative essay always has five paragraphs. Like I said in the previous slide, it always has an introduction and a conclusion. And uh, you can see here there is body paragraph one, two, and three. So, body paragraph one says topic sentence supporting the first point of the thesis. Uh, number two, minimum three pieces of evidence supporting this topic. Number three, transition concluding sentence leading into the next paragraph.

रिपोर्ट करने के लिए मजीद एविडेंस दिया जाता है दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड इन द प्रीवियस स्लाइड सो यू कैन आइदर पॉज दिस वीडियो एंड हैव अ लुक एट दीज पॉइंट्स आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड परफेक्ट पैराग्राफ स्ट्रक्चर हैजू हैव सर्टन कॉम्पोनेंट विद इन इट अगर आपने एक परफेक्ट पैराग्राफ स्ट्रक्चर बनाना एक परफेक्ट पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है तो आपके पास क्या एक रेसिपी होनी चाहिए इट इज जस्ट लाइक दैट यू आर कुकिंग अ रेसिपी

Support sentences. Let's see the step one. Explains topic sentence adds more detail. अब आपने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस जो है वो पहले के बारे में हमें मजीद कुछ बताएगा उसके बारे में, मजीद कुछ हमें करेगा. Two, Further, जब आप में एक पैराग्राफ की जाते हैं फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट तक आते हैं तो आप मजीद उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्सपेंशन करते हैं यू प्रोवाइड सर्टन एविडेंस टू सपोर्ट व क्लेम दैट यू आर मेकिंग इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस अब वो क्लेम्स क्या क्या हो सकते हैं दे आर बेस्ड ऑन एविडेंस एविडेंस क्या क्या दे सकते हैं आप यू कैन स्टेट द फैक्ट यू कैन गिव द डिटेल यू कैन गिव एग्जाम्पल एंड यू कैन गिव रीजन अगर आप कोई साइंटिफिक आर्टिकल देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको फैक्ट्स मिलेंगे अगर आप जो है ना कोई फिलोसॉफिकल सा कोई पीस ऑफ राइटिंग देख रहे हैं तो आपको वहां काफी डिटेल्स मिलेंगी अगर आप अगेन कोई फिलोसॉफिकल या लॉजिकल कोई आप आर्टिकल या कोई आप पेपर या कोई ऐसे आप देख रहे हैं तो वहां पर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे देन रीजन यू विल ऑलवेज फाइंड रीजन इन आर्ग्यूमेंटिव और परसुएसिव पीस ऑफ राइटिंग अगर आप या ऐसे लिख रहे हैं तो वहां पर आपको उसके सपोर्टिव रीजन भी मिलेंगे अनालिसिस और आर्गुमेंट्स खुद ही आप कोई पॉइंट देंगे और उसको एनालाइज भी करेंगे डायरेक्ट कोर्स पैराफ्रेस्ड इनफो फ्रॉम सोर्सेज यू कैन आइदर मैंशन द कोटेशन फ्राम सम वेरी वेल रिनाउंडसनैलिटीज आप कोई बहुत मशहूर किस्म के लोग हैं उनके कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके क्लेम को या आपके थीसे स्टेटमेंट को सपोर्ट करें या फिर आप जो हैं वो बता सकते हैं कि फलाने जर्नल के फ़लाने साइंटिफिक पेपर में ये बात जो थी वो कही गई थी स्टेटिस्टिक्स डेटा फ्राम रिसर्च बेसिकली नंबर्स uh, जो हैं स्टैटिस्टिक्स जो हैं और डेटा फ्रॉम रिसर्च जो दे नॉर्मली आपको साइंटिफिक आर्टिकल्स में साइंटिफिक पेपर्स में मिलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस एनेक्टोड्स एंड स्टोरी सो दे आर अगेन सपोर्टिंग नाउ ऑल दीस सपोर्ट सेंटेंसेस सपोर्ट द मेन आइडिया दैट यू हैव हाइलाइटेड इन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच एंड एवरी पैराग्राफ मेन आइडिया से नहीं लाइक आई सेड मेन प्रेजेंट कर देंगे अपने उस डॉक्यूमेंट के सबसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये हम बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं कि बॉडी पैराग्राफ का भी अपना एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो कि इन टर्न वेरी मेन आइडिया से कनेक्टेड होता है फिर जो सपोर्ट सेंटेंसेज हैं वो इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे ठीक है Number three concluding sentence of a paragraph. It explains the significance of supporting information. It unifies all paragraph information to answer so what. अब पढ़ने वाला जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन द रीडर्स आर रीडिंग समथिंग दे क्या करें इसका? तो जो कंक्लूडिंग लॉजिकल आंसर को आंसर करता है कि आपने ये करना है आपको इसलिए ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है सो कंक्लूडिंग सेंटेंस बेसिकली री योर आइडिया और जो है ना उसके अंदर वो क्लियर क्लियरली वो बता रहा होता है कि ये रीजनिंग आखिरकार क्यों दी जा रही है सिंथेसाइजेस पैराग्राफ कंटेंट विद टॉपिक सेंटेंस एंड थीसिस स्टेटमेंट तो हर पैराग्राफ पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग भी करनी है उस आइडिया की जो आप हर पैराग्राफ के बेनिंग पर देंगे आपको उसके बारे में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी देना है Now, here you can see the body paragraph construction. This is an example from body paragraph number two. Let's read the key first that is given here. Where is my laser pointer? Okay, so let's read the key here that has been given here. You can see that the body paragraph uh, example, body paragraph number two, uh, this is given in bold. bold is the, the transition sentence red is the topic sentence 1 2 3 these are the main points given in numbers. These are for you. आपको ऐसे numbering वाली कोई चीज नहीं मिलेगी लेकिन ये आपकी आसानी के लिए यहाँ दी गई है Blue is the conclusion of the idea. Bold italic sign post.

The ambience of the Mexico Casa really adds to my dining experience. Now, this second sentence basically makes it clear to you that this uh, paragraph is related to some kind of dining experience, and the name of the restaurant is Mexico Casa. Now, let's read the main points related to this uh, tra uh, this uh, topic sentence. यू कैन सी हेयर द ट्रांशन ट्रांजिशन जो है इसमें हुआ है एक पैराग्राफ से दूसरे में सो अगेटिव वाइल दिया गया हाउ एवर भी हो सकता था नवर दी हो सकता था देअ uh, भी हो सकता था उसके बाद जो है ना अनादर की एस्पेक्ट अनादर मीन्स दैट ऑलरेडी वन मोर पॉइंट इज हाईलाइटेड इन द प्रि पैराग्राफ Let's look at this number one. The restaurant is decorated in a Mexican style motif, which makes me feel as though I've gone to a destination, not just a place to eat. So here, usne ek pehla paragraph de diya. किस बारे में उसका मेन आइडिया ये है एम्बियंस एम्बियंस मींस ओवरऑल एटमोसफेयर जो कि पूरी रेस्टोरेंट की फील होती है आप वहां जाते हैं लाइटिंग कैसी थी माहौल कैसा था तो वो पूरी एम्बियंस होती है सो so, एम्बियंस uh, से रिलेटेड उसने पहला पॉइंट क्या दिया द रेस्टोरेंट इज डेकोरेटेड एंड मेक्सिकन स्टाइल मोटिव विच मेक्स मी फील एज दो हैव गॉन टू अ डेस्टिनेशन नॉट जस्ट अ प्लेस टू ईट नंबर टू देर इज अ फन एंड रिलैक्सर दस्टमर्स मील नंबर थ्री अप्रेडिशनल एनहांस दराउंडिंग यहां उसने एम्बियंस का जो पॉइंट है उसमें तीन चीजें एड की लेट मी गेट माई पेन फॉर यू नाउ दिस पर्सन हैज एडेड एम्बियंस में क्या क्या चीजें होती हैं एंबियंस में आ जाती है आपकी डेकोरेशन एंबियंस में आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर ठीक है एटमॉस्फेयर जो के कस्टमर्स के वहां होने से होता है उसके बाद जो है वो अह क्या कहते हैं म्यूजिक ठीक है सो दीस आर ऑल अब उसने जब आउटलाइन बनाई होगी आई एम श्योर कि उसने ये तीनों पॉइंट्स एंबियंस से कनेक्टेड लिखे होंगे बिकॉज़ ऑल दीस पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन दर्दर इलाबोरेट कर दिया है अब ये एक पैराग्राफ है या ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं है यू कैन सी यू कैन गेट दिस वर्ड वैट दिस इज कनेक्टेड टू द प्रिवियस पैराग्राफ सो इससे आपको ये भी पता चल सकता है

We are now going to talk about the third learning outcome of our today's lecture, which is the summary writing skills. First of all, we need to know what is a summary. A summary is a condensed version of a larger piece of writing, usually one fourth of the original. Before writing a summary, one has to identify the topic, thesis, all the main ideas, and major supporting details of the original work. Now the way we have analyzed the body paragraph in the previous slide and the thesis statement in the in the initial slides, aab, aab idea ho gaya hoga ke kaise topic, thesis or main ideas. Jo

इन द प्रीवियस टोल्टि देवर मोर ओवर तो ये सिग्नल वर्ड्स है आपके लिए जिससे आपको पता चलेगा इफ सम्रोडिक्शन ऑफ द प्रिवियस आइडिया गुड समरी राइटिंग इज अल टेक्स एटलीस्ट टू ड्राफ्ट लिफ्टिंग वर्ड डायरेक्टली फ्रॉम दी ओरिजिनल वर्क ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने क्या करना है एक तो टू ड्राफ्ट आपने एक तो रफ ड्राफ्ट बनाना है बाद में उसको नीट करना है टू अवॉइड लिफ्टिंग वर्ड्स डायरेक्टली कोशिश करें कि आप जो भी समरी आप बना रहे हैं जिस भी डॉक्यूमेंट में से बना रहे हैं उसमें से वर्ड्स एज इट इज ना उठाएं बल्कि उसको अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश करें लॉन्गर अंदर से मेन आइडिया उठाएं और हो सकता है एक ही आइडिया से रिलेटेड दो तीन आइडियाज हो तो आपने उसको कॉन्सेंट्रेट कर देना है यानी कि उसको एक तो नंबर वन शॉर्टेस्ट सेंटेंस में लिखना है एंड नंबर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया जब आपको एक आइडिया मिल गया है तो बाकी स्टेटमेंट्स उस आइडिया को सपोर्ट करेंगे तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस की समरी करें जस्ट रीड अ पैराग्राफ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड इन दैट पैराग्राफ एंड ट्राई टू समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स इन वन और टू सेंटेंसेस। कंसाइस राइटिंग कंसाइस मीन बहुत ही छोटा कंसाइस राइटिंग इन योर ओन वर्ड विल सर्व यू वेल इन कॉलेज एंड इन दर्क प्लेस सो ऑफकोर्स समराइजेशन की जो स्किल्स हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही डिवेलप होती है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी समरी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी Let's discuss the rules for summarizing. Now, these are very simple rules that you can use for the art of summarizing or for the skill of summarizing. Uh, number one include only important information.

The main points in each and every paragraph. Just try to read very carefully and look at the thesis statement in the introductory paragraph and then the main topic statement in the body paragraph, each and every body paragraph, and then the supporting uh, details or the facts that are given with uh, those topic sentences in each and every body paragraph. Combine ideas when writing a summary. अब सीक्वेंस आपने वही रखना है जो कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का होगा ऐसे में या किसी भी चीज़ में जिस सीक्वेंस में पॉइंट्स दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में आपने समरी में वो पॉइंट्स ऐड करने हैं ऐड कनेक्टिव वर्ड्स फॉर क्लैरिटी एंड कोहेरेंस सो इफ़ यू आर कनेक्टिव uh, वर्ड्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू रिपीट माय सेल्फ एंड कोहेरेंस कोहेरेंस लाइक आई सेड द सेम ऑर्डर दैट इज बीइंग फॉलोड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एसे की समरी दी जाती है तो जिस ऑर्डर में आइडियाज उस एसे में दिए गए हैं आप उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करें Use category terms instead of a list of words. For example, use furniture, for chair, sofa or table. तो ये आपने economy of words use करनी है जहाँ पर एक लंबे sentence की जगह एक phrase आ सकता है और जहाँ एक phrase की जगह एक word आ सकता है try to use that. What a summary does not contain. Your opinion.

what you should not do material directly copied or quotes कोशिश करें कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें से कोई भी आपने एक तो कोटेशन आपने कॉपी नहीं करनी आर 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 समथिंग दैट टू बी ओमिटेड यू समराइजिंग अ डॉक्यूमेंट अगर आप समरी लिख रहे हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कोटेशन हैं तो आप उसको स्किप कर दें उसकी जरूरत नहीं है वेन यू आर राइटिंग अ समरी जस्ट रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू है एग्जैक्ट एग्जाम्पल एंड यू डोंट हैव टू द कोटेशन एंड इफ If it is a document, के कोई कहानी या स्टोरी है, तो डायलॉग्स लिखने की जरूरत नहीं है आपको जरूरी नहीं है कि चीज़ आप वो चीज आप बताएं कि जी मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था नो यू आर नॉट आस्ट अबाउट दैट वट यू आर आस्ट अबाउट इज टू समराइजन डॉक्यूमेंट इन यूर ओन वर्ड Let's discuss how to write a summary. First look at the step one, read and understand. Let's, let me read this document to you, step 2 or step 3 Step 1, read paragraph 1, water pollution. In order to have good health, people must use clean and safe water. Safe drinking water is water which is free from all impurities that cause pollution.

किस बारे में है ये वाटर पोल्यूशन टॉपिक ऊपर दिया हुआ है ठीक है उसने इसको भी हाईलाइट कर दिया वाटर क्लीन हेल्थ क्लीन एंड हेल्थ

Water pollution is mainly caused by people's bad use of their water resources. In some countries, people throw human and industrial waste into rivers and lakes. In others, they throw chemicals and pesticides into streams. Water which contains these substances is dangerous for all people, animals, and plants because these substances are not.

Water can also get polluted from within the water supply system. For example, all over the Sudan, people keep their drinking water in a water pot called zeer. It has been found that if the zeer is not clean and covered, the water becomes polluted and causes diseases. Also, if people use dirty containers to remove water from the zeer, the water becomes equally polluted.

Finding the keywords, and when you will find the keywords, you will write it uh, in your own words. Uh, let's look at the summary.

and it will not be clean. We are done with today's lecture. Your homework is to do activity 3.3, question number 1 and 2. Uh, activity 3.3 is based on the summary writing skills. You can play this lecture again and again, and uh, after you have uh, learned the skill or uh, you have listened to the lecture carefully, then you can follow all the steps that are mentioned in the very last sl slide for the summary. These are the links to the sources for the, today's lecture. Uh, if you want to explore these, you can open these links. Lecture for today has ended. Allah Hafiz.